किससे मिलना है? मैडम, मेरा नाम भगवान है। मेरी कार खराब हो गई है, फोन में चार्जिंग भी खत्म हो गई है। इफ यू डोंट माइंड, एक फोन कर सकता हूँ? मैडम, इतनी रात में डिस्टर्ब करना गलत है, लेकिन जरूरी था। मैं विप्रो में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे काम करता हूँ। चाहिए तो मेरा आईडी देख लीजिए। ठीक है, आइए मेरे पीछे आइए, यहाँ पर बैठिए। मैडम, फोन? थैंक यू मैडम। इतनी रात में भी इंगेज है? थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कीजिए। और थोड़ी देर रुकेंगे तो मेरे आदमी की शिफ्ट खत्म हो जाएगी। ये फोटो? मेरे हस्बैंड। ओह, बहुत ही हैंडसम है ये। सच कह रहे हैं? जी सच कह रहा हूँ। वो दिखाई नहीं दे रहे। मरे हुए 2 साल हो गए। ओह सॉरी मैडम, इसलिए आपको अंदर लेने के पहले बार बार सोच रही थी। ओह, फोन कर लीजिए। जी ओके। फिर से एंगेज? हाँ जी हाँ। आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हो गई ये जान सकता हूँ? वो मरे नहीं, उन्हें मार दिया गया। मार दिया गया? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप चाहे मेरी बात ना माने, लेकिन सच तो यही है। ओह गॉड, बुरा हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों मारे गए? वो अपनी चीजों को छूने नहीं देते थे। ये फोटो, वो टीवी, किसी को भी छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि मुझे भी। इसलिए मार दिया? नहीं। फिर? गले में मंगलसूत्र भी डाला था, वो भी उनके नाम का। मुझे भी उनके अलावा कोई नहीं छू सकता था, फिर चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। बॉयफ्रेंड? क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये तो पुलिस केस है। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मुझे कोई डर नहीं। पानी चाहिए क्या? थोड़ा सा दे दीजिए। गलत टाइम पे आया, पर गलत चला गया। ये लीजिए पानी। थैंक यू जी। मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ जो बार बार जी लगाकर बुला रहे हैं। यू कैन कॉल मी सत्या। ओके जी। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। फोन अभी भी एंगेज है? हाँ जी। कॉफी लेकर आऊँ? ओके मैडम। ये मैडम हर चीज को छूने के लिए मना क्यों कर रही हैं? मैं छू करके देखता हूँ। सत्या मैडम, सत्या मैडम, सत्या मैडम जी कहाँ हैं? सत्या मैडम, सत्या मैडम, सत्या, ए मेरे बेडरूम में तुम्हारा क्या काम है? वो विंडोज हिल रही थी तो आप कहाँ हैं इसलिए? हा? कॉफी किचन में बनती है, बेडरूम में नहीं। सॉरी। उनकी किसी भी चीज को टच मत करना, वरना वो आ जाएंगे। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। ओके मैडम, ओके मैडम। बहका बहका सा हूँ आज मैं, बेबी आई मिस यू लव यू। सर, भगवान सर, आप
Who are you, man? Who are you? आप yes, यहां? I am Raj, Shivaji Raj. And who are you? मेरी कार खराब हो गई थी सर, इसलिए फोन करने के लिए यहाँ आया था. ओह, अच्छा. तो दरवाजा किसने खोला? वो आपकी वाइफ ने सर. मेरी वाइफ? हाँ. वो वही ना? हाँ वही है सर. मेरी वाइफ कैसे दरवाजा खोलेगी भाई, उसे मरे तो 2 साल हो चुके हैं. सर आपकी वाइफ को मरे 2 साल हो गए, लेकिन दरवाजा तो उन्होंने ही खोला था. क्या बात कर रहे हो यार, नो मिडनाइट जोक्स. नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं. देखो मैं एकदम सच कह रहा हूं. हाँ? मेरी बीवी की डेथ हुए 2 साल हो चुके हैं सर. उन्होंने दरवाजा खोल करके और मुझे पानी भी पिलाया था सर. वाटर और कॉफी लेकर के आती हूँ ऐसा बोल के अंदर गई है सर. मेरी वाइफ अंदर गई थी? हाँ सर, लेकिन वो तो कह रही थी कि आपकी डेथ हो गई. मैं मर गया था? हाँ. ऐसा उसने कहा क्या? हाँ वो मतलब मैं भूत हूँ? मुझे मालूम नहीं सर, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ सर. देखो अगर मैं भूत हूँ तो मुझे ब्लड पीना चाहिए, ये रेड वाइन क्यों पीऊंगा? सर मुझे आपकी वाइफ को देखना है. तुम्हारा भ्रम है, आपकी पत्नी से बात करनी है. तुम्हारा कर्म है, आपकी पत्नी मेरे लिए कॉफी लेने गई है. ये है तुम्हारा ड्रामा. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. डर लग रहा है क्या? सुनो एक पैग मारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं सर, वो कॉफी लेने के लिए गई है. नो 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 नो, ये कॉफी पीने का टाइम कहाँ है, कॉकटेल पीने का टाइम है. एक मिनट मैं तुम्हारे लिए पैग बना कर लाता हूँ. सर मैडम कॉफी ला रही हैं सर. कॉफी ला रही हैं मैडम? क्या पागल, यहाँ है सर. ये लीजिए कॉफी. यहाँ है सर, कॉफी लाई है सर मैडम. अरे वेट करना यार, पैक बना कर ला रहा हूँ. कॉफी लीजिए सर. ये देखिए सर. क्या मैडम? किससे बात कर रहे हो मैडम? सर से. सर कहाँ है? वो देखिए वहाँ ड्रिंक्स मिक्स कर रहे हैं. ए, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? वेट, ड्रिंक लेके आ रहा हूँ. सर सर मैडम यहाँ पर है सर. ये देखिए यहाँ पे खड़ी है. मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें कैसे दिख रही है? एक काम करो ये पैग ले लो, पूरा क्लियर हो जाएगा. ए चुप, मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो? सर से. सर से? वो है कहाँ? कब से सर सर बोले जा रहे हो? लो कॉफी पी लो. यहीं पे है. ए, आखिर तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ और तुम उधर हवा में किससे बात कर रहे हो? सर मैडम अभी तक यहीं पे खड़ी थी सर, प्रॉमिस सर. मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, गायब हो गई क्या? नहीं सर, अभी मेरे लिए कॉफी लाई थी सर, सच कह रहा हूँ सर, वो यहीं पे थी, अभी कॉफी लेकर यहीं पे खड़ी थी. शिट, कॉफी ले लो. कहा ना कॉफी ले लो. पहले आप यहाँ. यहाँ पर क्या, अभी तो मैं कॉफी लेकर आई हूँ, कॉफी लो. पहले आप. हेलो सर, मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ किससे बात कर रहे हो? सर यहाँ पर मैडम. सर मैडम कहाँ है? सर मैडम वहाँ पर थी. सर वो देखो मैडम वहाँ पर है सर. सर वो देखिए वो वहाँ पे. ये क्या है यार, मैडम मैडम की रट लगा रखी है, एक बार यहाँ बोलते हो एक बार वहाँ बोलते हो. सही में मुझे बहुत डर लग रहा है सर. ओहो ऐसा है क्या, तो एक काम करो इसे जल्दी से पी लो, तुम्हारा डर भाग जाएगा. गुड, और अब दोनों दिखेंगे. अब बताओ यही दिख रही थी ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल यही दिख रही थी. अरे भाई मेरी वाइफ मुझे क्यों नहीं दिखाई देगी? अरे आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हम लोग जिंदा हैं.
ओके ओके कूल माय गेस, चलो उधर सोफे पर बैठकर बात करेंगे, आ जाओ तुम भी आ जाओ। मेरे हस्बैंड आत्माओं पर पीएचडी कर रहे हैं, अगर किसी को आत्मा दिखती है तो वो आदमी कैसे रिएक्ट करेगा उस पर हमने प्ले बनाया है। और हमने जैसा सोचा था वास्तव में तुम डर ही गए। क्यों सर, मरे हुए लोग वापस दिखाई देते हैं क्या? हाँ, आत्माएं दिखाई देती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में आत्माओं को बुलाने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है? उन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत कठिन है। शाम से आत्माओं को बुलाने के लिए 100 मंत्र पढ़े थे, पर क्या फायदा, अभी तक एक भी आत्मा को बुला नहीं पाए। इतनी जल्दी कैसे होगा डार्लिंग, अभी हाल ही में तो प्रैक्टिस शुरू किया है, जल्दी ही परफेक्ट हो जाऊंगा। सर, आत्माओं से आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे आत्मा से? इस वक्त कौन आया होगा हमारे यहाँ, जाकर देखता हूँ। कोई भी नहीं दिख रहा। कौन है? हाँ?